subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. लास्ट के लेक्चर्स में भी अपन पढ़ रहे थे कि किस तरीके से कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कवर किए थे अभी तक हेलोफॉर्म रिएक्शन कवर किया था और पॉप ऑफ रूल जिसके अकॉर्डिंग कीटोन्स का कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कैसे ऑक्सीडेशन होता है. हेडिंग डालेंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. देखिए ये ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन है. सबसे पहले पढ़ लेंगे दिस ऑक्सीडेशन इज ऑक्सी इंसर्शन मतलब कहने का मतलब ऑक्सी इंसर्शन का मतलब है ऑक्सीजन का इंसर्ट होना. ये ऐसे नहीं करता कि एसिड के अंदर कीटोन को चेंज कर दिया या कोई भी ऑक्सीडेशन कर दिया कार्बन का, ये ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है. कहने का मतलब ऑक्सीजन इंसर्ट करता है. ठीक है, किसके अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट करता है? कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर. कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया तो क्या बना लेगा? जैसे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है ये RC(OR) और ये रिएक्शन कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन, क्या कंडीशन है वो मैं बताऊंगा. बेयर विलिगर की कंडीशन क्या होती है पहचान में तो आना चाहिए ना कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है. तो ये ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है. अब R1 सपोज यहां कर दिया इन दोनों के बीच में तो ये क्या बना दिया? एस्टर. कहने का मतलब कीटोन विल गेट कन्वर्ट इनटू एस्टर और कंडीशन क्या होती है? पर एसिड की प्रेजेंस में होता है. तो ये लिख लेंगे पर एसिड. और वो पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं? MCPBA हो सकता है. अब फुल फॉर्म क्या होता है? मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए. मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड ये होती है. स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ ये. आया बात समझ में स्टूडेंट्स? एक होता है पर एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं CH3COOOH. एक होता है पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ऐसे लिख लेना ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड CF3COOOH. ये एक होता है पर एसिटिक एसिड MCPBA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड. एक लिख लेना पर बेंजोइक एसिड. ये भी होता है पर बेंजोइक एसिड. ये सारे के सारे पर एसिड्स मतलब रिएक्शन के ऊपर कंडीशन ली जाती है. अगर इस कंडीशन के अंदर कोई कीटोन डाला जाता है तो आपको एस्टर बनाना है. कहने का मतलब बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? एस्टर. बात समझ आती है? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये लिखेंगे दिस ऑक्सीडेशन इज ऑक्सी इंसर्शन. ऑक्सीजन का इंसर्ट होता है. ऐसे ये रिएक्शन करके एस्टर बनाता है और ये कंडीशन है ऐसे. ये मैंने एक तरीके से आपको खाका ये अब्स्ट्रैक्ट बना दिया है. हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म. होता कैसे? वही तो है मैकेनिज्म. लेकिन मैकेनिज्म से पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ. एक रिएक्शन मैंने लिखा, सपोज ये लिख रहा हूँ एसीटोन लिख दिया और इसकी रिएक्शन मैंने लिख दी CH3 पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ. प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे, कैसे होता है मैकेनिज्म. देखिए
जब पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे रिएक्शन किसके अंदर होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर होता है। वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अकर ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम। तो क्या करता है एसिटिक, ये जो एसीटोन है ये एच प्लस मीडियम की प्रेजेंस में ये अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को अब्स्ट्रिक्ट कर लेता है और बनाता है CH3OH और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब ये प्रोटॉन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन से लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने इस पाई बॉन्ड को खींचेगा और जो ही ये पाई बॉन्ड को खींचता है ये तैयार रहता है कौन, CH3C डबल बॉन्ड OOOH इसके ऊपर लोन ये। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन के लोन पेयर में से कौन सा ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक की अटैक करता है और जो ही ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करेगा क्या बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आया बात सुन। अब क्या करता है ये वापस से बाहर निकलता है, यहां पे एच जुड़ा हुआ है ना, ये एच प्लस बाहर निकल जाता है और जो ही एच प्लस बाहर निकलता है कहने का मतलब है, अब देखिए ये H प्लस बाहर निकल जाता है क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब ये इसने अटैक किया तो ऑक्सीजन तो H तो जुड़ा हुआ है ना, तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा किससे, CH3 को भगा के CH3 OH CH3 OO C डबल बॉन्ड O CH3 ये आएगा। अब क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल गया एच प्लस फॉर्म में, अब मैं कह रहा हूं ओ एच के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड जब ये यहां आता है तो ये कार्बन के ऊपर क्या आता है, वैलेंसी पूरी होती है, कहने का मतलब ये जब डबल बॉन्ड इधर आता है तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने को जाती है तो ये 5 वैलेंसी होल्ड नहीं कर पाता, ये मिथाइल इसके ऊपर जुड़ जाता है और ये बाहर निकल जाता है स्टेट और ये स्टेट आयन ये इस जो एच प्लस निकलेगा ना इसको लेके जाता है क्योंकि ये एच प्लस भी निकलेगा, क्यों निकलेगा एच प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने के बाद 3 बॉन्ड वो भी साइन नहीं कर सकता, ये साइमल्टेनियसली साथ साथ में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग अकर टुगेदर, कैसे ये OH इधर बॉन्ड O और H के बीच का बना बॉन्ड टूटा, O और C के बीच में बना, O और C के बीच में बना, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा रहे CH3 इधर से गया, CH3 इधर से जाते ही इस O के ऊपर जुड़ा, O के ऊपर जुड़ते ही ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 होती है, इस एसीटेट को बाहर निकाला और ये एसीटेट आयन इस H प्लस को ले लेगा, बना लेगा CH3 साइड प्रोडक्ट तो निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड OOH ये, और ये क्या बना लिया CH3, ये CH3 में लिखा है ये लिखा, उसके बाद यहां क्या आ गया था C डबल बॉन्ड O, ये O लिखने के बाद ये CH3 भी यहां तो रहा नहीं, मतलब एक और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये आ गया CH3, ये तो हुआ ये एस्टर, यही तो प्रोडक्ट है अपना। और ये स्टेप RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब है रिएक्शन की रेट इस स्टेप पे डिपेंड करती है, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए ये स्टेप जब अच्छे से कब होगा, जल्दी से जल्दी कब होगा, ज्यादा कब होगा, जब इसके अंदर रिलीजिंग ग्रुप लगाऊं तब या विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं तब CH3 के ऊपर, कहने का मतलब ये ज्यादा जल्दी मूव जिसमें सबसे जल्दी मूव करेगा उसके अंदर वो अच्छा होगा, या मैं बोलूं जो जितना जल्दी निकलेगा उसके अंदर ये रिएजमेंट जल्दी होगा, इसकी निकलने की कैपेसिटी
इसकी यहां आने की कैपेसिटी के ऊपर रेट डिटरमिनिंग स्टेप अगर डिपेंड कर रहा है, तो मुझे पता लग गया कि कार्बोक्स इस कीटोन के अंदर रिलीजिंग ग्रुप होगा तब ज्यादा होगा, और विड्रोइंग ग्रुप कैपेसिटी क्या करती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ने से, मतलब कहने का है अगर किसी भी लिविंग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप कैपेसिटी बढ़ती है। ये बात मेरी बात याद रख लेना, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बोला है, किसी भी लिविंग ग्रुप के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाते हैं उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी और बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑक्सी एसिड जो है पर एसिड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगाने से और कीटोन के ऊपर या कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगेंगे उतना ही जल्दी इसको भगाना चाहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो वो भी पॉइंट एक ऐड करना, ये हो गया पहले लिखिए। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन एसिड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing group on per acid increases the rate of reaction। ये पॉइंट याद रखेंगे, कल को आपको पूछे कोई कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स ये कीटोन है, एक कीटोन ये है और एक कीटोन ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ये इन दोनों में कौन सा सबस्टेट ज़्यादा एक्टिव होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा रिलीजिंग है कंपेरिजन टू इनके, क्योंकि ये तो विड्रॉइंग का काम करता है ना, क्या इफेक्ट शो करता है इसलिए, या पर एसिड का पूछ लिया कोई तो ऐसे इस तरीके की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आना चाहिए। ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, आया। अब दिमाग भी खराब होता है कई कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, बोले कैसे, तो वो मैं बता रहा हूं, देखिए एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ pH, और ये लिख दिया आपको MCPB, तो प्रोडक्ट क्या होगा, आपको अगर ऐसा दे दिया कोई क्या बनेगा, पहली चीज ये बताएगा आपको केस बिलोंग्स टू दिस, दिस विल हेल्प यू आउट, case belongs to बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, और बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन स्टेट करते ही दिमाग खराब होता है कि मैं ऑक्सीजन जोड़ूँ तो ये प्रोडक्ट बनाऊँ, या CH3C OOPH ये बनाऊँ, दिमाग तो खराब होगा कि ये प्रोडक्ट बनाऊँ या ये प्रोडक्ट बनाऊँ, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊँ, आपके दिमाग में टेंशन आएगा, और मुझे भी टेंशन आता है कि कैसे जज किया जाए कि ये पर एसिड अगर रिएक्शन करता है इसके साथ, ये MCPBA दे रखा है, H आ गया, ये मूव करेगा फिर इसकी तरफ, या ये मूव करेगा इसकी तरफ, कैसा करेंगे, पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए माइग्रेशन किसका होगा, फिनाइल का होगा या मिथाइल का होगा, एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड करके एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर याद रखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और जो माइग्रेशन करेगा उसके और उसके बीच में
अगर पीएच माइग्रेट करता है तो कार्बोनाइल और पीएच के बीच में इंसर्ट कर देंगे, ये माइग्रेट करेगा तो इन दोनों के बीच में, मतलब एक तरीके से क्या हो गई, वो सो ट्रिक हो गई है। आया बात समझ में? तो देखेंगे, हेडिंग डालेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसके नीचे लिख लेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है अगर कार्बोनाइल के इधर और इधर कोई टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका, लिख लेंगे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का बराबर ही होता है किसके, साइक्लोहेक्साइल के। साइक्लो अगर हेक्साइल जुड़ा हुआ किस साइड, तो आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, साइक्लो हेक्साइल या टर्शियरी सेकेंडरी अल्काइल, इन दोनों का इससे कम होता है। उसके बाद आता है, इन दोनों के बाद में आता है बेंजाइल। बेंजाइल किसको बोलते हैं, CH2PH वाले ग्रुप को, अगर ऐसा ग्रुप आता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है एराइल। अब आप बोलेंगे सर एराइल क्या होता है, पीएच होता है, लेकिन ये पीएच ऐसे भी तो हो सकता है कि पीएच इसके ऊपर रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये रिलीजिंग है, ये या ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये विड्रोइंग है, या ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये नॉर्मल है। तो देखिए रिलीजिंग जब जुड़ा हुआ होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा पीएच, और ये हाइड्रोजन का रिलीजिंग से ज़्यादा होता है, मतलब हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होता है एराइल का जिसमें रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का और तीनों से ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो है ये जो रिलीजिंग है ये और H, ये ऑर्डर होता है किसमें, एराइल में। एराइल इतने तरीके के हो सकते हैं, और एराइल का एक जिसमें रिलीजिंग जुड़ा हुआ उसका तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है, लेकिन मैंने हाइड्रोजन एराइल में लिखा है क्योंकि मेजोरिटी में एराइल क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कम होते हैं, इसलिए क्लियर। उसके बाद लिखेंगे 1° एल्काइल, 1° एल्काइल, उसके बाद में लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, और लास्ट में लिखेंगे मिथाइल। ये पूरा ऑर्डर होता है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन, ऐसे इतना करिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट।